कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी केरल के इंचार्ज तारिक अनवर जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहला सवाल तो है कि खबरें जब काउंटडाउन एक तरह से शुरू हो चुका है इलेक्शंस का रिजल्ट आने के लिए, और उससे पहले खबरें ये आ रही है कि कांग्रेस पार्टी ने कहीं पर बाराबंदी करनी शुरू कर दी है, कहीं पर बैटरी ऑफ जो अपने डिजाइन को उतारा है, पूरा पूरा एक स्ट्रैटेजी की तरह आप लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दी है कल की जो रिजल्ट डे है उसके लिए, थोड़ा बताएंगे ये क्या स्ट्रैटेजी पार्टी? देखिए, स्ट्रैटेजी नहीं है, हम लोग अलर्ट है, क्योंकि पिछली बार हम लोगों ने देखा कि बहुमत आने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्ती इसको कहें एक तरह से कहा था कि जनतंत्र का उसमें उसको हत्या लिया, जो जनादेश था उसको हत्या लिया। तो इसलिए इस बार हम लोग अलर्ट हैं और हम लोग कोशिश करेंगे, हम लोग को पूर्ण उम्मीद है कि कई जगहों पर हमें बहुमत मिलेगी और हम सरकार बनाएंगे, और अगर कोई ऐसा नौबत आया तो उसको भी हम लोग फेस करेंगे। गोवा में आपने अभी से अपने कैंडिडेट्स को जो है एक जगह पे इकट्ठा किया पीसीसी के ऑफिस में, और उसके बाद सुनने में आया कि रिजॉर्ट लेके जा रहे हैं, कर्नाटक से, महाराष्ट्र से काफी सारे नेता वहां इकट्ठे हो गए हैं, ये क्या सिचुएशन है सर? अभी से देखिए, जैसा हमने कहा ना कि हम लोग इस बार अलर्ट है, पिछली बार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो जन आदेश का एक तरह से अपमान किया, हाईजैक किया, उसको इस बार हम लोग नहीं होने देंगे जी। अच्छा सर, इसके साथ साथ खबर ये भी आ रही है कि उत्तराखंड, पंजाब और मणिपुर और गोवा के अलावा ये जो तीन स्टेट्स हैं, यहाँ पर भी आपने काफी सारे लीडर्स को भेजा हुआ है, एग्जिट पोल्स जो आए हैं उसके ऊपर आपको क्या कहना है? देखिए, एग्जिट पोल हम लोगों ने देखा है, इतिहास है इसका, कि कई जगहों पर अभी हाल में बंगाल का भी हम लोगों ने देखा, और उसके पहले बिहार में, उसके पहले और दूसरे राज्यों में भी कई जगह ऐसे परिणाम आए हैं जो एग्जिट पोल से नहीं मिलते हुए। तो एग्जिट पोल बिल्कुल शत प्रतिशत सही होगा ये तो मानना गलत होगा, और हम लोग इंतज़ार करेंगे कल का, और कल जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो हमको लगता है कि कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा और हम लोग के अनुरूप रहेगा। उत्तर प्रदेश के बारे में क्या कहेंगे सर आप? वहाँ पर प्रियंका जी लगी, उन्होंने लीड किया, और उसके साथ साथ अब जो देखिए वहाँ एक बात तो हम लोग को लग रहा है कि वहाँ इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। वैसे ये भी हम मानते हैं कि वहाँ संघर्ष है, लड़ाई है, और बहुत नज़दीक की लड़ाई है, लेकिन जो एक तरफा दिखाया जा रहा है एग्जिट पोल में वो नहीं है। ईवीएम की भी खबर आ गई, अब बीजेपी कह रही है कि आप लोग मतलब विपक्ष हारता है तो ईवीएम नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो सबूत है ना, कई जगह ईवीएम पकड़े गए हैं। अब केरल के भी इंचार्ज है, खबरें ये भी आ रही है कि कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता जो है ए के एंटनी जी, उन्होंने 81 ईयर्स के एज है उनकी, और उनका टेन्योर अगले महीने खत्म हो रहा है राज्यसभा का, और उन्होंने एक्सप्रेस किया अपनी डिजायर कि अब उनको संन्यास दे दिया जाए एक्ट ऑफ पॉलिटिक्स से। थोड़ा बताएंगे सर? अब ये तो इस पर वही से बात करने से पता चलेगा, लेकिन वो बेचारे कहा जाए कि एक एंटोनी साहब कभी इस उन्होंने जिसको कहते हैं ना कि सत्ता के लिए कोई उन्होंने इच्छा अपनी जाहिर की हो, ऐसा कभी नहीं है। वो एक डेडिकेटेड कांग्रेस वर्कर हैं, वर्क कांग्रेस लीडर हैं, और उस हैसियत से वो काम करते रहे, और हमको लगता है आगे भी वो कांग्रेस के लिए काम करेंगे जी। तो ये थे तारिक अनवर जी हमसे बात करते हुए, सुप्रिया भारद्वाज आज तक।